As we were discussing about the periodic classification of elements, in which we already discussed about the Mendeleev, but still again going to revise that the Mendeleev periodic table. What is the Mendeleev periodic table? That is the Mendeleev periodic table was also based on the increasing atomic masses. तो उसके टेबल में भी इट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर उसका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था, बट इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन एट दैट टाइम. पीरियोडिक टेबल की जो इन्वेंशन थी, मतलब जो हमें एक लेआउट मिला था, दैट वाज द ग्रेट थिंग. ठीक है, पीरियोडिक उसमें मेंडेलीव का था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एलिमेंट्स विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम, मतलब सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ही लेफ्ट द स्पेसेस इन बिटवीन, ही लेफ्ट द सम ऑफ द व्हेन ही मेड द पीरियोडिक टेबल, ही लेफ्ट द स्पेसेस इन बिटवीन कि लेटर ऑन द एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, बट ही कुडंट प्रेडिक्ट. ठीक है, ही अज्यूम कि दीज एलिमेंट्स विल बी, मतलब मिलते जुलते एलिमेंट्स, द सेम एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर. He assumed that he left the spaces for the मतलब noble gas की कोई problem नहीं हुई. He left the spaces in between in which he after he named it as a eka boron, eka aluminium. He boron से मिलता हुआ element later on discover होगा. Even he assumed that one कि those elements जो discover होंगे will be discovered later on that are having the molecular masses of this thing. Sorry, atomic mass of this thing. ठीक है, एटॉमिक मासेस में उसने प्रेडिक्ट कर दिए. अब व्हेन दीज एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर हैविंग द सेम और एप्रोक्सीमेशन द सेम एटॉमिक मास. जैसे उन्होंने 68 बोला कि ये 68 मास नंबर का एलिमेंट लेटर ऑन डिस्कवर होगा. लेटर ऑन जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इट इज हैविंग 69 पॉइंट समथिंग मास नंबर जो था उसका, दैट विल बी देयर. मतलब मेंडेलीव की बहुत तीन, मतलब हमने इसमें मेंडेलीव की थ्री मेरिट्स एंड थ्री लिमिटेशंस कर, तीन मेरिट्स उनकी क्या थी? सबसे पहली थी कि ही कुड प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सम एलिमेंट्स दैट विल बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन, जिसमें इका बोरोन, इका एल्युमिनियम वाले करे थे हमने, कि दैट इज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. लेटर ऑन हमारे पास ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, है ना, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया. सेकेंड थिंग उन्होंने हमें ये बताई, यू कैन से उनका जो सेकेंड हमारे पास जो बेनिफिट आया था, दैट वाज द कि ही कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. उन्होंने पहला हमारे पास था कि ही प्रिडिक्टेड सम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन. सेकेंड उनका मेरिट था कि ही प्रिडिक्टेड कि सम ऑफ द प्रिडिक्टेड सम ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि उन्होंने जैसे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, वो बिल्कुल वहीं पे जाके फिट हुए जहां पे उनको होना था. ठीक है, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसके नीचे ये एलिमेंट है, कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास ये है, तो ही प्रिडिक्टेड दैट वन. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थी, उनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस कैन अकोमोडेट इजीली. थ्री प्रिडिक्शन थी उनकी, दैट वॉज द मेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. पहली थी ही प्रिडिक्टेड सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट विल बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन. सेकंड, ही प्रिडिक्टेड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बेस पे उन्होंने करा. थर्ड, ही प्रिडिक्टेड या ही लेफ्ट और ही द नोबल गैसेस कैन इजीली अकोमोडेट इन हिज पीरियोडिक टेबल. दीज वर द थ्री मेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. बट जहां इनकी मेरिट्स थी वहीं पे डी मेरिट्स भी थी. थ्री डी मेरिट्स वर देयर. पहली थी हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटॉप. पहली डी मेरिट थी हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटॉप. ठीक है, आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ही कुडंट प्रिडिक्ट या ही कुडंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि इफ द आइसोटॉप्स आर देयर तो हाइड्रोजन हैज द थ्री प्लेसेस, बट ही सेड हाइड्रोजन विल गेट द वन पोजीशन, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग. तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वाज नॉट एबल, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. सेकंड था इसमें रॉन्ग एटॉमिक मासेस ऑफ, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ
कोबाल्ट एंड निकल, इसका था 58.9, इसका था 58.7, 0.2 का डिफरेंस था, बट ही सेड कि कोबाल्ट कम्स फर्स्ट, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन। थर्ड इनका था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड वन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट ही प्लेस एट द टॉप ऑफ सीरीज ऑफ द मेटल। दीज वर द थ्री लिमिटेशन, इन्हीं थ्री लिमिटेशंस मतलब जो डीमेरिट्स है, तो ड्यू टू दिस द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वॉज अगेन लाइक बिट डिस्कार्डेड वाला हो गया हिसाब। आफ्टर दैट हमारे पास इन बिटवीन यू कैन से नील बोहर, ठीक है, हेनरी मूजले, ठीक है, जो प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, उन्होंने हेनरी मूजले ने ही जस्ट चेंज द वन टर्म, बिकॉज एट दैट टाइम नील बोहर एक्सपेरिमेंट वाज आल्सो इन दैट वन, लाइक कि एवरीवन नोज अबाउट इट, कि अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड ऑल दैट। तो हेनरी मूजले, या राइट डाउन यहां पहले लिखो, प्रेजेंट बेसिस, राइट डाउन present basis for the aaj ke time pe what we are using, present basis of the classification of element what we are using now, what was the definition of the Mendeleev periodic table, the properties of the periodic function of their atomic masses, properties of the elements, theek hai, ab yahan pe sirf ek word change kiya, theek hai, present basis mein only one single word jo hai wo change hua, jisse pura ka pura periodic table jo hai wo change ho gaya, properties of, wahan hum likh rahe the the properties of elements, ye dekho the properties sirf ek word change kara, वहां हम लिख रहे थे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यहां हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओनली प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास क्या थी वहां पे, ये देखो ड्रॉबैक्स क्या थे उनके, पोजिशन ऑफ आइसोटॉप, समझ लो पहले बेटे, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वॉज अ ड्रॉबैक एट दैट टाइम, जिसमें क्या था 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की दिस वॉज द लिमिटेशन, ही कुडंट एक्सप्लेन, बट वेन वी यूज द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ द एटॉमिक मास, हाइड्रोजन हैज द सेम एटॉमिक नंबर, इफ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो क्या हुआ, बाय चेंजिंग द वन वर्ड दैट इज एटॉमिक मासेस, बेटर टू यूज एटॉमिक नंबर, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ड्रॉबैक और डीमेरिट या लिमिटेशन रिजॉल्व हो गई। दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ द मेंडेलीव, कि ही कुडंट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप, बट बाय चेंजिंग the atomic masses to atomic number, position of hydrogen can be easily explained, isotope can easily explain, because isotope is having the same atomic number, so problem resolve ho gayi, theek hai। navya clear hai, navya jiya, is it clear beta, hanji tanya, unmute yourself bete, अन्य अनम्यूट यूर सेल्फ बेटा, हाँ
वो जे अगर हम लोग आइसोटोप्स में एटॉमिक मास सेम होता है तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर भी तो सेम होता है, तो हम उसको कैसे करते हैं? उनकी आइसोबार्स वाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, बिकॉज एटॉमिक देखो एटॉमिक नंबर इज अ वेरी यू कैन से अ गुड मेथड टू डू या यू कैन यू कैन से द एलिमेंट्स आर इजीली अरेंज्ड बिकॉज द एटॉमिक नंबर विल रिमेन फिक्स्ड. एटॉमिक मास वेरिएशन हो रही है ना, एटॉमिक नंबर विल रिमेन द फिक्स. तो दिस इज द बेस्ट मेथड कि उन्होंने रादर देन एटॉमिक मास दे ऑफ द एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर विल रिमेन फिक्स्ड, एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज, ओनली मासेस विल शो द वेरिएशन. तो हम आइसोबार्स की तो हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आइसोबार इज द प्रॉब्लम इन दैट केस वेयर द एटॉमिक मासेस वेरी कर रहे थे. हियर तो एटॉमिक नंबर व्हेन वी आर चूजिंग दैट इज द फिक्स्ड. इज इट क्लियर तान्या? तान्या समझ आया बेटे? द एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड. नो टू एलिमेंट्स, इवन दो कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है दोज वर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर. कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं है. नो टू एलिमेंट्स आर देयर विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर. सो द प्रॉब्लम तो हमारी यहीं पे रिजॉल्व हो गई. एवरी एलिमेंट इज हैविंग द फिक्स्ड एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर तान्या? क्लियर है बेटे? राइट. देन द सेकेंड हमारी लिमिटेशन थी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. Explanation we can ask you in the form of the question. Wrong order atomic masses of cobalt and nickel. ठीक है. अब इनके भी क्या problem थी? 58.9 and 58.7 की problem थी. But atomic number of cobalt is 27 and nickel is 28. So again the problem is resolved. Again this problem resolved. Is it clear? अच्छा clear हुआ? ठीक है. थर्ड वन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ये भी रिजॉल्व होगी बिकॉज हाइड्रोजन इज हैविंग द वन एटॉमिक नंबर. वन एटॉमिक नंबर ये भी रिजॉल्व होगी. इट इज हैविंग द वन एटॉमिक नंबर, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट सीरीज ऑफ द मेटल्स. ठीक है. ऑल दीज थ्री ड्रॉबैक्स, थ्री लिमिटेशन ऑफ द मेंडेलिय पीरियोडिक टेबल, it is easily resolved by the using the atomic number, because atomic number is fixed. No two elements are having the same atomic number. So tino ki jo unki anomalies thi ya demerits thi, it's easily resolved. Abhi bhi kisi ko koi problem hai to pooch lo. And who gave this the modern periodic table? Henry Moseley. Henry Moseley. Henry Moseley. He gave the modern periodic table. Is it clear? By using the concept of Niels Bohr. मतलब mainly अगर देखा जाए ना तो long form of periodic table was given by the Niels Bohr. लेकिन हम इसको assume करते हैं. Any doubt? यहाँ तक. Anyone is having any doubt? Then you can ask me. तो मैं आगे चलूँ. Anyone? Okay. Thank you. Any others? ठीक है. अब mainly जो modern periodic table है, it is having the 7 groups and 18 periods. That all of you know. I'm just going to make the periodic table again. And after that, we will discuss the characteristics of the periods and the groups. We are having the 3 characteristics of the periods, or 6 characteristics of the periods and the groups. Right? Hydrogen. Helium, ठीक है. First 20 elements you know. Lithium, beryllium,
बोरोन, कार्बन, ठीक है. हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस नेगानागा, ठीक है. राइट बेटा, ठीक है. सेवन पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है. सेवन पीरियड, 18 ग्रुप्स. पहला, सेकेंड, थ्री टू 12 हम नहीं डिस्कस करेंगे, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट. देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है. आपको ये आता है, these we have to learn, these four groups so we have to learn, ठीक है. This is first group, that is called alkali metal. Second group is called alkaline earth metals, ठीक है. 3 to 12 हमने नहीं discuss करने. 17th is called halogens and 18th group is called नोबल गैस, इनर्ट ग्रुप, जीरो ग्रुप, या इनर्ट गैस लिख सकते हो आप, इनर्ट गैस और जीरो ग्रुप. दिस यू हैव टू लर्न, और इसमें से बट यू हैव टू मेनली यू हैव टू लर्न दीज टू ग्रुप्स आर कंप्लीट, पीरियड्स आर कंप्लीट, लिथियम टू दैट वन एंड सोडियम. बट वी विल यूज दिस थर्ड पीरियड मेनली, हमें थर्ड पीरियड को यूज करना है, सोडियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम. और ग्रुप हमारे पास पहला ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है. एंड 17th ग्रुप वी विल यूज इट, फर्स्ट ग्रुप बिकॉज दिस इज एल्केली मेटल एंड 17th ग्रुप हैलोजन्स और द नॉन मेटल. सो दिस इज मेटल केस, दिस इज द नॉन मेटल केस, एंड द पीरियड वी विल यूज द सोडियम, राइट. Now we have to discuss about the characteristics of the periods and the groups. ठीक है, लिखिए. बट ये ध्यान से समझ लेना, बिकॉज क्वेश्चन उसमें से काफी आते हैं. आई टोल्ड यू वी विल पिक द दैट थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, राइट. वी विल ऑफ दिस वन, ठीक है जी. राइट, अब जो सिक्स करैक्टर्स वी हैव टू डिस्कस ना, जिसमें से सबसे पहला करैक्टर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सेकंड करैक्टर इज वैलेंसी, थर्ड करैक्टर इज साइज ऑफ एटम, एंड द फोर्थ करैक्टर दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज मेटालिक करैक्टर. And the fifth one is
chemical reactivity, and the sixth factor, that is nature of oxides. On these six parameters, we will differentiate the, matlab we will understand the properties of the periods as well as the group. Is it clear, bete? ठीक है. Now atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Right? पहला करेक्टर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. We will write down the electronic configuration. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 and 288. ठीक है जी. What is its last valence electron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What is the meaning of the valence electron? The electron that is present in the outermost shell, that is called the valence electron. What is the first one? That is the valence electron. We will write down on moving from left to right in a period, on moving from right in a period, क्या हो रहा change? On moving from left to right in a period, valence electron goes on increasing. On moving from left to right in a period, valence electrons goes on increasing. This was the first factor that you have to learn. On moving from left to right in a period, valence electrons goes on increasing. Is it clear, Vite? On moving from, six characters we have to discuss. First is valence electron. On moving from left to right in a period, valence electrons goes on increasing. ठीक है जी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. राइट. नाउ द सेकेंड वन, दैट इज वैलेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? Yes, Bisham, what is the meaning of valency? Hanji Daksh. Haan Bisham, unmute karo. Bisham, unmute karo beta. Number of electrons required to fill the shells. Number of? Electrons required to fill the shells. Okay. Yes, Divyansh. मैम आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यस अगर अगर 3 से ज्यादा हो कंबाइनिंग कैपेसिटी यस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ आइटम वी विल से दिस वर्ड द दिव्यांश और बिसम वी विल से कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मींस एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. ठीक है. अब आउटरमोस्ट शेल में दीज आर हैविंग द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू तो इट कैन लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. इट विल लूज इट्स टू इलेक्ट्रॉन देन थ्री प्लस माइनस राइट दे विल गेन राइट. सो व्हाट इज द वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज द कॉल्ड वैलेंसी. So what happened in this case in the period? We will write down on moving from left to right in a period. First valency goes on increasing, then it goes on decreasing. But we will say
on moving from left to right in a period, first the valency goes on increasing and then it goes on decreasing. Write down. यहाँ चेंज कर रही हूँ राइट. वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फर्स्ट वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन first the valency goes on increasing and then it goes on decreasing.